हेलो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे और इसमें बेसिकली हम डिफरेंशिएशन के दो रूल्स देखेंगे, रूल वन एंड रूल टू। ये बहुत ही बेसिक रूल हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ओनली टू रूल्स ही देखेंगे। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके वहाँ से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं आप अपने इंटरेस्ट की। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए आपको क्लासरूम आईडी की ज़रूरत होती है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टेंट फंक्शन रूल। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन पहले क्या होता है? कॉन्स्टेंट फंक्शन मतलब होता है वाई कि एक्स का कोई फंक्शन है और ये इक्वल टू के है, यानी के कोई कांस्टेंट है। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सिंपली लिखिए वाई इज इक्वल टू के। तो ये एक फंक्शन हो गया कांस्टेंट फंक्शन, ठीक, जहां वाई एक कांस्टेंट के बराबर है। या फिर आप इसे ऐसे लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू के, तो इसे भी हम एक फंक्शन ही कहेंगे। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब आपको कोई भी सम बनाना हो या फिर आप कोई बुक पढ़ते होंगे तो दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। या तो y इज इक्वल टू के लिख के आपको पूरा एक्सप्लेन किया हो, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू के लिख के आपको एक्सप्लेन किया हो। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ सिंपली y इज इक्वल टू के लेकर चलता हूँ कि y इज इक्वल टू के कोई एक फंक्शन है जो कि एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। इस साइड कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट k है। k कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, जो भी आप कोई एक नंबर ले लीजिए, तो ये हो सकता है। अब कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? पहले डेरिवेटिव जानने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि कांस्टेंट फंक्शन को जब आप किसी टू डायमेंशनल प्लॉट पे ड्रॉ कीजिएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए वाई है, यहाँ पे एक्स है, तो क्या हुआ, वाई का कोई एक वैल्यू के है, किसी भी एक्स के वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू के है, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि स्लोप जीरो होता है तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, सॉरी यहाँ डी वाई होगा, तो डी वाई डी एक्स भी जीरो होगा, क्योंकि डी वाई डी एक्स भी स्लोप को ही बताता है। और स्ट्रेट लाइन के लिए हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है, तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग पॉइंट पे स्लोप क्या होगा। सिंपली हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए और हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है। यानी कि सिंपल है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डी वाई डी एक्स जीरो होगा। तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन रूल, कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डी वाई डी एक्स या डिराइवेटिव जो होता है, डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। अब डिफ्रेंसिएशन के भी अलग अलग नोटेशंस यूज हो सकते हैं। आप इसे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखिए, या फिर लिखिए वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, यानी कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डॉट इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों सेम चीज़ है। तो आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि डी वाई डी एक्स करके भी आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं वाई प्राइम लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होता है होना है। नोटेशन को लेकर अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं बुक्स पढ़ते समय, क्योंकि बुक्स में दोनों ही नोटेशन दिए होते हैं, कहीं एक दिया होता है, अलग बुक पढ़िएगा तो कोई और नोटेशन मिल जाएगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन रूल हमने समझ लिया कि यहाँ डेरिवेटिव जीरो होता है। अब हम थोड़ा पावर फंक्शन पे चलते हैं। तो पावर फंक्शन रूल क्या होता है? जैसे y x का कोई फंक्शन है, यानी y x के टर्म में लिखा हुआ है, और वो फंक्शन इस तरह है कि x कोई वेरिएबल है यहाँ पर, और इस पे एक्सपोनेंट n है, ठीक, और ये k कोई कांस्टेंट है, ठीक, आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। एक मिनट, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था। यहाँ पे मैंने कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल्स नहीं लिया है, तो आपको मैं बता दूं कि y इज इक्वल टू, अब मान लीजिए 5 है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक, k का मैंने कोई एक वैल्यू ले लिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूँ कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। बस यही चीज़ आपको समझना है। आप 5 की जगह पे आप कुछ भी ले लें, 100 ले लें, 1000 ले लें, इसका डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा। तो ये चीज़ छूट गया था, यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके
बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि मैंने जैसे कहा कि ये एक पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन इसलिए कि इसमें एक एक्सपोनेंट है कि एक्स एक्स कोई वेरिएबल है और उस पर कोई एक्सपोनेंट है, तो ये पावर फंक्शन हो गया। अब पावर फंक्शन का रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई डी एक्स जो हम डिनोट करते हैं, या फिर हम उसे वाई प्राइम से भी डिनोट कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होगा ये के तो यहाँ रहेगा, के रहेगा और फिर ये एन जो है के से मल्टीप्लाइड हो जाएगी, यानी के एन हो जाएगा और एक्स भी उसी तरह रहेगा, लेकिन एक्स का जो एक्सपोनेंट एन है उसमें से वन माइनस हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि वन ही माइनस होगा और कुछ माइनस नहीं होगा, टू थ्री जीरो या ऐसा कुछ नहीं है, डिफ्रेंसिएशन में वन माइनस किया जाता है एक्सपोनेंट से, आपको ये याद रखना है। ठीक, तो ये पावर फंक्शन रूल हो गया। अब इसे बिना किसी एग्जाम्पल के समझना मुश्किल है, इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू टू एक्स। मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँगा, y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, और मैं तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब। अब तीनों में देखिए कुछ एक्सपोनेंट आपको मिलेगा, इसमें वन है, वन लिखा नहीं जाता है, इसमें टू है, इसमें थ्री है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम जब हम करेंगे, जिसको हम डी वाई डी एक्स लिखकर डिनोट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये टू, जैसा कि के की जगह पे यहाँ पे टू है तो टू हम लिख देते हैं, और यहाँ एक्स है और एक्स पे एक्सपोनेंट वन है, तो टू को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसी भी चीज़ को वन से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टू को वन से मल्टीप्लाई करके टू ही होगा, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया वन, और फिर यहाँ बचा एक्स, और एक्स पे एक्सपोनेंट वन होता है और उसमें से हमें वन माइनस करना है अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ एन के जगह पे वन है और वन में से हमने वन माइनस करना है, तो ये हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ टू हो जाएगा और यहाँ एक्स पे एक्सपोनेंट जीरो बचेगा, और किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट जब जीरो होता है तो उसकी वैल्यू वन होती है। ठीक, ये रूल आपको याद रखना है, 100 पे भी जीरो एक्सपोनेंट होगा तो उसकी वैल्यू वन होगी, कोई भी नंबर हो उस पे एक्सपोनेंट जीरो होगा तो उसकी वैल्यू वन होगी। तो यहाँ भी एक्स पे एक्सपोनेंट जीरो है तो यहाँ भी वन होगा इसका वैल्यू, यानी टू इंटू वन टू। तो टू जो है ये निकल गया आपका डिराइवेटिव, यानी कि स्लोप। अब ये लीनियर फंक्शन है, तो कोई भी लीनियर फंक्शन को जो आप ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक इस तरह का लाइन होता है, एक सीधा लाइन होता है, या फिर बोले क्रॉस स्ट्रेट लाइन होता है। वो ऐसे पॉजिटिवली स्लोप हो सकता है, निगेटिवली स्लोप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिवली स्लोप ही होगा, तो ये वाला लाइन है, और ये जो 2 निकला ये 2 इस लाइन का स्लोप निकला है। ठीक, तो आपको ये ग्राफिकली आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ये 2 जो है इस लाइन का स्लोप है। ठीक, अब आते हैं हम इस पर, इसे सोल्व करने पर। ये इस पर एक्सपोनेंट 2 है, तो आप यहाँ देखिए कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अनुसार, अब इस बार मैं डिराइवेटिव का नोटेशन y प्राइम यूज कर रहा हूँ, ये दोनों सेम चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 2 तो पहले से है ही, और उसके बाद इसका जो 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x पे जो एक्सपोनेंट 2 है उसमें से 1 हो जाएगा माइनस, और जब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू या 4, और x पे एक्सपोनेंट 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर, तो 1 लिखने की लिखा नहीं जाता है, तो इसे हम सिंपली 4x लिखेंगे। तो 4x ये डिराइवेटिव हो गया। अब डिराइवेटिव क्या है कि जैसे कोई भी आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, इसका जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं टू डायमेंशनल प्लॉट पे, तो ये ऐसे होता है या फिर ये ऐसे होता है, ये कोई भी शेप हो सकता है। एग्जैक्टली इसकी जब हम मैं बात करूं तो इसका जो स्लोप होगा वो कुछ इस तरह होगा, यहाँ से ये इस तरह का इसका कुछ स्लोप होगा जब आप इसे ड्रॉ कीजिएगा। तो खैर जो भी हो वो ऐसा होगा, आपको ध्यान रखना है कि वो कोई कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और जब हम 4x निकाल रहे हैं तो कहने का मतलब है कि किसी x के किसी पार्टिकुलर अलग अलग वैल्यू के लिए स्लोप भी अलग होगा, क्योंकि यहाँ x लिखा हुआ है। अगर x इज इक्वल टू वन है,
अगर हम यहाँ x इक्वल टू वन पे हम देख रहे हैं कि इस कर्व का स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पे, यानी x इक्वल टू वन पे, तो हम यहाँ x के जगह पे वन रखेंगे, यानी फोर इक्वल टू वन इक्वल टू फोर स्लोप हो जाएगा। अब ये स्लोप क्या है, यहाँ से जो टेंजेंट खींचते हैं हम उसी का ये स्लोप है। अब जैसे कि हम यहाँ पे आगे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पर भी x का कोई वैल्यू होगा, जैसे कि मान लीजिए 4 है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, 4 इंटू फोर, यानी कि स्लोप 16 हो जाएगा, यानी कि इस लाइन पे स्लोप जो है वो 16 होगा। ये 16 होगा नहीं एक्चुअली, मैं हाइपोथेटिकली आपको बोल रहा हूँ, ये तो माइनस में होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ये डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। फिलहाल मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बहुत गंदा लग रहा है। तो आपको बस इस बात को ध्यान रखना है कि हम डेरिवेटिव निकालते क्यों हैं। और आप जानते हैं कि इसका बहुत यूज होता है ग्राफ का इकोनॉमिक्स में, लेकिन हमेशा आपको ग्राफ ही नहीं पढ़ना होता है, बहुत बार आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सोल्व करने होते हैं। लेकिन ग्राफ आपके माइंड मैप में जरूर बनना चाहिए, आपके माइंड में कोई भी इक्वेशन देखकर एक ग्राफ जरूर बनना चाहिए। अब जैसे कि ये इक्वेशन आप लीजिए, इसी का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका क्या होगा, मैं वाई प्राइम ही यूज कर रहा हूँ डेरिवेटिव के लिए। तो यहाँ 2 पहले से है और ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद ये एक्स पे जो एक्सपोनेंट है 3 उसमें 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 6 और एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये क्या बताएगा, क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा, ठीक, इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा। तो ये अलग अलग एक्स के वैल्यू के लिए अलग अलग पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कुछ और होगा, इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कुछ और होगा, इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कुछ और होगा, तो अलग अलग वैल्यू रख के आप अलग अलग पॉइंट पे क्या स्लोप होगा इस ग्राफ का आप उसे देख सकते हैं। और ये क्यूबिक इक्वेशन सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है, जैसे भी हो, ये मतलब 2 बम्प रहेंगे, 2 में एक मैक्सिमम और एक मिनिमम पे पॉइंट रहेगा, तो ऐसा होता है। तो ये माइंड मैप में हमेशा आप दिमाग में बनते रहना चाहिए, तभी जाके अक्का लगेगा कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब एक और एग्जांपल हम थोड़ा ले लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, सॉरी 4 इज इक्वल टू x टू द पावर 5 है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यही है, सिंपल सी बात है कि हम y प्राइम यहाँ लिखते हैं जो कि डेरिवेटिव का नोटेशन है, ये 4 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ x पे 5 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 20x⁴ हो जाएगा। ये देखिए ये कितना आसान है पावर फंक्शन, ठीक। अब जैसे y इज इक्वल टू हम लेते हैं x⁶। अब यहाँ k नहीं है, k नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा dy/dx, यहाँ मैं dy/dx कर रहा हूँ, y प्राइम नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ देखिए कि यहाँ 1 है, ठीक, k के जगह पे, और ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x पे जो एक्सपोनेंट है वो 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ होगा 6x⁵। तो ये 1 लिखना जरूरी नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए करने से वही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता है। यहाँ सिंपली x को मैं यहाँ ले गया, x को यहाँ ले गया और इसमें से 1 माइनस कर दिया। तो इतना सोचने का जरूरत नहीं है, कोई भी वैल्यू दिया हो, x⁸ है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, कुछ नहीं सोचना है, 8 यहाँ आ जाएगा और x⁷ हो जाएगा। तो ऐसे आपको दिमाग में ये रहना चाहिए डेरिवेटिव, तभी आपको आसानी होगी समझने में। अब यहाँ कोई k नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ कोई मल्टीप्लीकेशन करना नहीं है, ये काफ़ी आसान है पावर फंक्शन रूल। तो इतना करके मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को, आगे की वीडियोज में और भी रूल्स हम देखेंगे। और फिर से मैं आपको बताऊं कि आप टीचमिंट ऐप जरूर डाउनलोड करें, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्लासरूम अपने इंटरेस्ट का जरूर ज्वाइन करें, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। वहाँ आपको रिलेटेड कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और हो सके तो इस PDF जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो PDF फॉर्म में मैं टीचमेंट क्लासरूम में भी डाल दूँगा। तो थैंक यू, वीडियो
से जुड़ने की।